महापुरुष किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीं तनु मां सीताम परम भाव मजानंतो मम भूतो महेश्वरम। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं उस परम का स्पर्श करके, परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं वही हूँ, किंतु हूँ इस मानव तन के आधार वाला, मनुष्य शरीर के रहते हुए ये स्थिति मिली है, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। वो दृष्टि डालते हैं उनको शरीर ही तो दिखाई देता, बेचारे करे भी तो क्या, वो मुझे मनुष्य कहकर पुकारते हैं, तुच्छ कहकर पुकारते हैं, किंतु देवी संपद से युक्त भक्तजन है वो देखते हैं, वो अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे बसते हैं, पत्र पुष्प फल जल जो अर्पित करते हैं मैं उन्हें सेवन करता हूँ, उनका परम कल्याण करने वाला होता। परम का स्पर्श करके जो परम भाव में स्थित है, जहाँ स्पर्श किया तो सेवक सदा के लिए खो जाता है, वो परमात्मा ही शेष बच रहता है, यही महापुरुष की रहनी होती स्वरूप है। महात्मा क्या होते हैं? परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थिति, शरीर तो उस दिन त्याग देते हैं जिस दिन उस परम भाव का इस दर्शन स्पर्श और स्थिति मिल जाती है, उसके बाद जो शरीर रहता है लोक हित के लिए रहता है, उनका तो कोई काम ही नहीं है, जिस कमी की पूर्ति के लिए शरीर मिला था पूर्ति हो चुकी। भगवान बुद्ध को गृह निष्क्रमण के बाद 7 साल में ये स्थिति मिल गई। 40वें उपवास के दिन वो गिर पड़े, वो नदी किनारे एक लता का पेड़ की डालियां लटकी थी उसका सहारा लेके नदिया में गिर पड़े, फिर लड़खड़ा के उठे, आगे बढ़ गए तो रास्ते में पड़े थे। उस वक्त भगवान ने उनको अनुभव में कहा, बुद्ध को दिखाई पड़ा एक कीर्तन मंडली चली आ रही है, उसमें बीना है और भी सारे वाद्य हैं, बड़ी मधुर धुन चल रही है, तो बीना के तार जो ज़्यादा खींचा तो तार टूट गया और कम खींचा तो घननन घननन आवाज आने लगी, जो मध्यम पर कस दिया तो बढ़िया स्वर माधुरी परिस्फुटित होने लगी, तो फिर आवाज आई, देखो बीने के तार इतने मत खींचो कि वाद्य यंत्र ही टूट जाए, और इतनी ढील भी मत दो कि वास्तविक स्वर ही न निकले। बुद्ध समझ गए जिससे हमें भजन करना, जिस यंत्र से, यंत्र है शरीर, तन बिनु भेद भजन नहीं भरना, तन के बिना, मानव तन के बिना वेदों ने भजन का वर्णन ही नहीं किया, इस यह बिना इसके तार इतने मत खींचो कि बाद ये अंतर ही टूट जाए, आज 40 उपवास से 2 दिन में सही छूट जाए, तार तो टूट गया, और इतना ढीला भी मत करो, शरीर के ममत्व पोषण में मत लग जाओ कि भजन उचित स्वर ही न निकले। मध्यम मार्ग, आज सुजाता नाम की एक लड़की खीर लाएगी, खा लेना, हट मत करना, सुन लिया भगवान के इस आदेश को। इतने में एक लड़की आई, बड़े घराने की थी, उसने देखा वो पीपल की पूजा करने जा रही थी, बोले अरे पीपल वाला देवता को तो हमने देखा नहीं, ये देवता ठीक रहेगा, हाँ ये लगता है प्यासे हैं क्या, भूखे भी लग रहे हैं, चम्मच से लगी खिलाने, वो आँखें बंद थी लगी खाने, आधा किलो खीर खा गए, तब आँख खुली
तो बोले बद्रे और लाओ, तो निकाला और खिया दिया। वो महात्मा जी को ले जाके चबूतरे पर बैठा दिया। स्वस्तिक नाम का एक गरीब चरवाहा था, वो घास ला के बिछा दिया। वो जो भी रहा वो चमार डुमार, महात्माओं के भगत यही होते हैं। शाम को आदेश मिला, रात भर बैठ के भजन करते रहे। खीर खाते देखा तो 5 भिक्षु बैठे थे, बुद्ध का अनुसरण कर रहे थे। बुद्ध की तपस्या से वो लोग बहुत संतुष्ट थे। खीर खाते देखा, बोले ओ बुद्ध तो गिर गया। बुद्ध नहीं, उसका नाम था गौतम। शरीर पे ममता आ गई, तपस्या से गिर गया। यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं, चलो हम कहीं जाके भजन करेंगे। देखो खीर खा रहा है, वो भाग गए। बुद्ध से पूछते भी नहीं थे, उनकी नकल करके भजन कर रहे थे। वो 5 भिक्षु सारनाथ में चले आए। और इधर बुद्ध को उसी दिन रात को, रात्रि के 4th पहर में विधाता आए, परिक्रमा किया। पीपल का विशाल वृक्ष पत्ते पत्ते पर भगवत स्वरूप देखा। उसमें बुद्ध की हर जन्म योनियां दिखाई पड़ी, सब खत्म हो गई, अंत में मोक्ष का दिखाई पड़ा। बुद्ध ने सुबह कहा, बात लंबी हम नहीं कहेंगे, आज हमने रात्रि के 4th पहर में उस अविनाशी पद को पाया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने प्राप्त किया था।